गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक है वो है ओप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर। ओप एम्प को जो है डिफरेंशिएटर की तरह कैसे यूज लेंगे वो आज अपन स्टडी करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपने को पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएटर क्या होता है। डिफरेंशिएटर वो सर्किट है जिसका आउटपुट जो है इनपुट के डिफरेंशिएशन के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएटर कहलाता है। ठीक है, यानी देखो, एक डिफरेंशिएटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो कि अप्लाइड इनपुट का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो ये जो सर्किट डायग्राम है, ये क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने लिया ओप एम्प का यूज इनवर्टिंग एम्पलीफायर में। इनवर्टिंग एम्पलीफायर में अपन क्या करते हैं, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल जो होता है उसको अपन ग्राउंड करते हैं और जो इनवर्टिंग टर्मिनल होता है उस पे सप्लाई जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो ये जो इनवर्टिंग टर्मिनल है इस पे अपन ने सप्लाई लगा दिया, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को अपन ने ग्राउंड कर दिया। तो जब अपन इसको जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसको डिफरेंशिएटर में यूज लेंगे तो क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस आर वन है उसको कैपेसिटर सी से अपन रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है ग्राउंड से कनेक्ट है, तो यानी वी वन इक्वल टू क्या होगा, जीरो वोल्ट। तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड एजप्शन जो नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्टेज होगा वही इन्वर्टिंग पे होगा, यानी वी टू इक्वल टू क्या होगा, जीरो, यानी वी टू भी क्या होगा, जीरो वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखो जो आइडियल ओप एम्प होता है, ये आइडियल ओप एम्प लिया है, इसका क्या है, जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। जब इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, जीरो। यानी क्या होगा, ये आई वन जो है ये कंप्लीटली जो है फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ में फ्लो होगी, यानी आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। तो देखो आई वन क्या है, I1 जो करंट है वो कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट है, तो वो क्या होती है, कैपेसिटर में करंट फ्लो होती है वो होती है सी डीवी अपॉन डीटी। तो सी, अब डीवी क्या है, डीवी देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो सी डीवी कितना आएगा, डी वी इन माइनस वी टू अपॉन डीटी। ठीक है, IF क्या आएगा, IF आएगा करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या आएगा, V2 माइनस V0 अपॉन RF, ये क्या आ जाएगा, IF आ जाएगा। तो देखो अपने पास I1 क्या है, C D V in माइनस V2 अपॉन DT इक्वल्स टू V2 माइनस V0 अपॉन RF। अब ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड एजप्शन V2 इक्वल्स टू क्या है, जीरो, तो अपन ने पुट किया C D V in माइनस जीरो अपॉन DT इक्वल्स टू जीरो माइनस V0 अपॉन RF। ठीक है, तो अपने पास क्या मिला, C DV in अपॉन DT इक्वल्स टू माइनस का V0 अपॉन RF। ठीक है, क्योंकि अपने को तो आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या आएगा, V0 इक्वल्स टू माइनस RF C DV in अपॉन DT। ठीक है, यानी V0 प्रोपोर्शनल टू DV in अपॉन DT। यदि अपन RFC को कांस्टेंट लेते हैं, RFC क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है, किसका है, डिफरेंशिएटर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज जो वी इन है उसके डिफरेंशिएशन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो आउटपुट जो आ रहा है उसमें नेगेटिव साइन जो आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अपना ओप एम्प जो उसको अपन यूज लेते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, तो आउटपुट वोल्टेज जो होता है इनपुट के साथ 180 के फेज पे होता है, यानी आउट ऑफ फेज में होता है, तो ये इसके फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना ओप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।